गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेज प्रैक्टिस ऑफ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पैकेज की रीतियां। तो एग्रीकल्चर की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, तो जो पैकेज रीतियां हैं इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पैकेज रीतियां के अंतर्गत इसमें हम पहले अनाज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर दलहन, फिर तिलहन, फिर रेशा, फिर शर्करा, फिर वाणिज्य एवं चारा फसलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अनाज है। अनाज के अंतर्गत मुख्य रूप से धान, मक्का और गेहूं आते हैं, है ना भाई। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर, धान के ऊपर, जो कि एक खरीफ फसल है। धान जो है एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना भाई, किसी भी स्पीशीज का सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्रम मैं आपको बताऊं। तो ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि इन चार ऑप्शन को दे दिया, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, या ऐसे कहीं से भी चार उठा के दे देगा, पूछेगा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, या फिर इसको क्रम से जमाइए, तो अब सदा या जो भी सीक्वेंस होगा प्रॉपर उस हिसाब से आपको जमाना पड़ेगा। तो इसको जो है आपको याद करना है प्रैक्टिस करके, है ना भाई। तो इसमें किंगडम सबसे बड़ा जो होता है वो किंगडम होता है, जगत होता है, उस जगत के अंदर ग्रुप के ग्रुप या समूह होते हैं, है ना भाई। किंगडम जगत के अंदर समूह है, समूह से संघ बना, छोटा छोटा यूनियन बन गया, ठीक है। तो उसके बाद उसी संघ का उपसंघ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्लास मतलब कि वर्ग को क्रिएट करेगा, और वर्ग का उपवर्ग होगा, फिर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उपवर्ग के बाद क्या है आपका, ऑर्डर गण, ठीक है भाई, फिर उसका उपगण। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बार बार गण, और फिर उसका उपगण, उसके बाद उसका कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। अरे बात समझ में, स्पीशीज। तो ये जो है इसका सीक्वेंस है, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसको सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आ जाइए अनाज की तरफ। अनाज में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, धान के ऊपर। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा। क्या है बॉटनिकल नेम, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। और ये किस फैमिली या किस कुल का है, तो पोइसी या ग्रैमिनी, पोइसी या ग्रैमिनी ग्रुप का है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो वर्मा क्षेत्र से मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो वर्मा क्षेत्र से मानी जाती है, ठीक है। गुणसूत्र, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो गुणसूत्र जो है 2n के फॉर्म में बताते हैं, जिसकी कुल संख्या कितनी होती है, 24 होती है, क्रोमोसोम नंबर। और बायो में आपने क्रोमोसोम वगैरह के बारे में डिटेल में पहले पढ़ा होगा। तो ये धान का कितना होता है क्रोमोसोम नंबर, 24 होता है, 24। सर्वाधिक भारत में सबसे ज्यादा कहाँ इसकी खेती की जाती है, तो पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में देश में पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर धान को तीन नाम से जानते हैं, कितने नाम से, तीन नाम से जानते हैं। अस, जिसकी बुआई मई से जून महीने में की जाती है, अमन, जिसकी बुआई जून से जुलाई महीने में की जाती है, और बोरो, जिसकी बुआई नवंबर से दिसंबर महीने में की जाती है। तो यहाँ पे जैसे अमन है, तो इसकी जून से जुलाई में बुआई हुई, तो इसकी कटाई होती है विंटर में, नवंबर दिसंबर में, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। वैसे ही बोरो का नवंबर दिसंबर में बुआई हुई, तो समर टाइम में इसकी कटाई होती है, तो इसलिए इसको समर क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। अब धान को लगाने के तरीके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करता है। तो बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, आधे से अधिक लोगों को तो खेती आती होगी, और जिन्होंने कभी खेती नहीं की है उन्होंने एटलीस्ट देखा होगा, खेत वगैरह पे गए होंगे आप जरूर। तो बुआई की जो बात होती है, जो धान लगाने के जो तीन तरीके हैं, तो उसमें तीन मुख्य प्रकार से तरीके हैं। एक होता है सीधी बुआई, है ना भाई, एक होता है सीधी बुआई। तो सीधी बुआई में क्या होता है, खेत में हल चलाएंगे दो बार तीन बार, फिर उसमें लगभग 11 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक पानी भर के रख देते हैं, ताकि मिट्टी गीली हो जाए,
है ना भाई, और उसके बाद फिर उसमें बीज डाल के या फिर क्या बोलना चाहिए कर लकड़ी का ऐसा चौड़ा प्लेट जैसा कुछ रहता है ना भाई, तो उसको फिर चलाया जाता है ताकि जो गीली मिट्टी है वो लेवलिंग में आ जाए, फिर बीज डाल दिया जाता है। तो ये क्या है आपका, सीधी बुआई, डायरेक्ट क्रॉपिंग। रोपाई, रोपाई जो है हमारे राज्य में सबसे ज्यादा चलता है और रोपा के माध्यम से फसल उत्पादन अच्छा होता है। रोपाई में क्या होता है, बीज से पौधा बहुत हाई डेंसिटी के साथ कम क्षेत्र में तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद मिट्टी को बुआई के लायक, थरहा लगाने के लायक, थरहा बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी शब्द में, जो जो पौधा रहता है धान का रोपाई वाले प्रोसेस में, तो उसको थरहा बोलते हैं, लगभग इतनी इतनी हाइट का रहता है। तो फिर जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो हाथ से पकड़कर उसको थोड़ी थोड़ी दूरी में ऐसा लगा देते हैं, तो वहां पे क्या है स्पेसिंग जो है डिस्टेंस भी मायने रखता है। तो ये 20x10 का जो है डिस्टेंस, इस हिसाब से रोपाई की जाती है, मतलब कि रो टू रो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये जो है एक अच्छा माध्यम है, इसमें दो तरह के बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये कि सारे पौधे निकले हुए रहते हैं तो इस बात की संभावना नहीं रहती कि बीज से पौधा निकलेगा या नहीं निकलेगा। दूसरा, हाथ से लगाया जाता है तो स्पेस मिलता है और पौधों को वृद्धि के लिए स्पेस का मिलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर किसी की बात है, डेवलपमेंट के लिए आपको आपका स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस है ब्यासी, ब्यासी बोलते हैं इसको तो ब्यासी के अंतर्गत क्या होता है, सूखे खेत में हल वगैरह चला करके बीज को डाल के छोड़ दिया जाता है, फिर बारिश होती है फिर ऑटोमेटिक उससे पौधा उगाता है। तो ये तीन प्रोसेस है, ठीक है भाई। तो हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा जो है रोपाई से खेती की जाती है। अब रोपाई का जो प्रोसेस है तो इसमें हमारा जो बेसिक नीड क्या है, तो वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, मतलब कि आपका गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, जहां पर तापमान जो है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हो और जहां पर टोटल कुल वर्षा जो है 500 से 2000 mm की कुल वर्षा हो रही हो, ठीक है। सॉइल की बात करें तो चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी है ना भाई, इस टाइप की जो है इसके लिए बेस्ट है, मटासी मिट्टी भी बोलते हैं उसको। और भूमि की तैयारी कैसे करते हैं, तो पहले हल चला करके दो बार तीन बार हल चला करके मिट्टी को पलटते हैं, उसके बाद फिर उसमें पानी भर देते हैं ताकि मिट्टी गीली हो जाए, फिर उस मिट्टी को मिक्स करते हुए उसको एक लेयरिंग की जाती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है ना भाई। ये पेडलर, वो जो लेयरिंग जिसे करते हैं ना, लेबलिंग जिसे करते हैं गीली मिट्टी का, तो उसको पेडलर कहा जाता है, पेडलर चलाते हैं। फिर बुआई की बात करें तो बुआई और रोपाई तो जून से जुलाई मंथ में सामान्यतः बुआई और रोपाई की जाती है और 20 से 25 दिन के बाद जब पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है ना भाई। तो बीज को किसी एक जगह छोटे से स्पेस में लगा देते हैं, जैसे सामान्यतः किसी के पास 10 खेत है तो वो एक खेत में पूरा बीज लगा देगा, पूरे खेत भर पौधे उगेंगे, फिर उसको निकलवा करके सारे पौधे सारे खेतों में लगवाएगा। अरे बात समझ में, ये रोपाई होता है। फसल अंतरण मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए सीड की बात करें तो रेट ऑफ सीड, बीज का दर, ब्यासी में जो है 100 किलो पर हेक्टेयर बीज की खपत होती है, ब्यासी वाले प्रोसेस में 100 केजी पर हेक्टेयर के बीज की खपत होती है। क्यों होती है, क्योंकि ब्यासी में सूखे खेत में बीज छिड़का जाता है, जरूरी नहीं है कि सभी बीजों से पौधे निकले, तो नॉर्मली 30-40% ही पौधे निकल गए तो बहुत है, इसलिए ब्यासी वगैरह के प्रोसेस को अच्छा नहीं माना जाता। जबकि हाइब्रिड वाला जो प्रोसेस है तो इसमें 15 केजी पर हेक्टेयर में ही, अब हाइब्रिड बीज जो होता है वो ऑथेंटिक बीज होता है, टेस्टिंग किया होता है, तो 15 केजी बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है ना भाई। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक प्रबंधन, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये आपका यूज किया जाता है, इसके बारे में आप जानते हैं। एनपीके, तो ध्यान दीजिएगा 120 केजी 60 केजी 60 केजी पर हेक्टेयर, ये इसका रेशियो है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2:1:1 भी लिखा जा सकता है, बाकी जी रेशियो की हो रही है तो। लेकिन पूछा जाए कि नाइट्रोजन उर्वरक की 1 हेक्टेयर में कम से कम कितनी केजी की जरूरत होगी, तो 120 केजी की
जरूरत होगी। ठीक है, तो इसके जो बैग्स वगैरह है वो एनीवेज उसको देख लेंगे। अब जल एवं सिंचाई प्रबंधन इरिगेशन मैनेजमेंट, तो ये आपका 1000 mm पर हेक्टेयर, 1000 mm जो है जल की पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो रोपाई के बाद 5 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं, जब रोपाई की जाती है तो 5 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे स्टेज हैं, क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज जिसको बोलते हैं, जहां पर पानी की आवश्यकता बहुत होती है। तो ये है कब, जब बीज फूटता है, क्ले फूटने, कल्ले फूटने के वक्त, है ना, मतलब कि जब बीज से पौधा निकलता है उस समय पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो पौधे नहीं निकलेंगे। जब उसमें फल फूल आते हैं, फ्लॉरिंग जब होती है तब, और जब उस फ्लॉरिंग में जब दाना जब भरता है, मतलब जो बीज होता है उसमें जब दाना भरता है उस टाइम पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। उस टाइम यदि पानी नहीं मिला, नॉर्मली जो अकाल पड़ना बोलते हैं ना, तो इसी टाइम यदि बारिश नहीं होती तो उसको बोलते हैं अकाल पड़ना। क्यों? क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, बीज में दाना नहीं भर पाता पानी की कमी की वजह से, उसके बाद वो क्या है पूरा सूखा सूखा बीज हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता उसके बाद, तो फिर खेत को पूरा जानवरों को चरा देते हैं, तो वो किसानों के लिए बहुत दुखद स्थिति होती है। ठीक है, तो इन तीन स्टेजेस में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ अभी हम मक्का गेहूं वगैरह की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं धान की कटाई एवं मड़ाई, तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। तो लगभग क्या होता है, जब फसल की बुवाई की जाती है तो उसके 100 से 120 दिन के बाद जब फसल पक जाता है, बीज तैयार हो जाते हैं, है ना, तो फसल तैयार हो जाता है, तो लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के माह में, नॉर्मली नवंबर दिसंबर होता है हमारे क्षेत्र में, तो इस समय क्या की जाती है, फसल की कटाई की जाती है ना। अब फसल की कटाई के कई तरीके हैं, जैसे जिन लोग मशीन वगैरह यूज करते हैं तो वो खेत में ही कटाई हो करके थ्रेशिंग दोनों काम एक साथ हो जाता है, दाने अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो रॉ मटेरियल है जिसको पैरा बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, वो भी, तो पैरा भी भूसे के रूप में परिवर्तित होकर तैयार हो जाता है। सामान्यतः कृषक हाथ से काटते हैं इसको, फिर करपा बना के, मतलब जमा जमा के खेत में रखते हैं, और जमा जमा के जो खेत में रखते हैं ना उसको बोलते हैं करपा। ठीक है, फिर क्या होता है, उसको करपा डाल के उसको सूखने के लिए कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, तो 4 से 5 दिन क्या है वो सूखता है, जब वो सूख जाता है तो उसके बाद फिर बनाते हैं बोझा, उसको बांधते हैं और बांध के बनाते हैं उसको बोझा, बंडल, है ना भाई, और उसके बाद उसको बैलगाड़ी से, भैंस गाड़ी से या ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से कहाँ लाया जाता है, तो नॉर्मली गाँव के शब्द में इसको मैं आपको बताऊँ छत्तीसगढ़ी में कोठार बोलते हैं, तो कोठार में उसको ला करके जमाया जाता है। ठीक है भाई, तो जमा के रख दिया जाता है, फिर वो, फिर जैसी उपलब्धता होती है उसके आधार पर उसकी की जाती है मिसाई। अब मिसाई के कई तरीके हैं, पुराने तरीकों में से तो ऐसा था कि जानवरों का ग्रुप बना लेते थे एक लाइन से और उनको गोल 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 घुमा के चलाया करते थे, पर इससे क्या होता था, जानवर जो है फसल को लगातार खाते भी रहते थे तो थोड़ा सा उत्पादन में फर्क पड़ता था। उसके अलावा फिर बैलगाड़ी भैंस गाड़ी, 2-3 बैलगाड़ी भैंस गाड़ी लेकर के गोल गोल घुमा के चलाते रहते हैं। आजकल जो है बहुत सुविधाजनक माध्यम जो है किसानों के लिए ट्रैक्टर है, जो कि आसानी से रेंट वगैरह से आ जाता है घंटे घंटे के हिसाब से, तो ट्रैक्टर से बड़ी अच्छी मिसाई हो जाती है, 5 से 10 मिनट में चारों तरफ घुमा करके अच्छे से मिसाई कर दी जाती है। ये सारा प्रोसेस आपने देखा होगा। और मिसाई होने के बाद फिर क्या होता है, उसकी छटाई होती है, तो पैरा को अलग करते हैं, फिर जो बचा हुआ जमीन में रहता है वो धान है, अब फिर उसको साफ करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ओसाना बोलते हैं, तो उसको पंखे से ओसाते हैं, इलेक्ट्रिक फैन से ओसाते हैं, या फिर धान में सूपा के माध्यम से ओसाते हैं। तो ओसाने के माध्यम से क्या किया जाता है, जो फसल है धान है और जो कचरा है उसको अलग अलग किया जाता है, फिर उसको धान को अलग करके उसको पैकेजिंग की जाती है, बोरी वगैरह में भरा जाता है, बोरी वगैरह में, है ना भाई, तो फिर उसके बाद जो भी उसका आगे का प्रोसेस करना है, बेचना है, रखना है, ये सब फॉलो करते हैं। तो ये आपका कटाई एवं मड़ाई का प्रोसेस है। अब इसमें हम आगे देखें भारत में, तो भारत में 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, भारत में 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर एवरेज औसत उत्पादन है, एवरेज प्रोडक्टिविटी है। तो भारत में धान का औसत उत्पादन कितना है पूछा जाए, तो भारत में धान का औसत उत्पादन
25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो हमारे राज्य में भारत की तुलना में औसत उत्पादन कम है, ठीक है। आगे देखें वैरायटीज, किस्मों की बात करें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसके बारे में आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है, तो ये रायपुर में है ना भाई। तो यहां पर जो है धान, छत्तीसगढ़ में धान की किस्में जो बनाई गई है, तो उसमें से प्रमुख किस्मों का नाम है दंतेश्वरी, समलेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा, महामाया आपका रतनपुर, बमलेश्वरी डोंगरगढ़, समलेश्वरी कहां लोकेटेड है मुझे तुरंत अभी आइडिया नहीं है। अब देखो इसी में मान लो एक ऑप्शन जोड़ दिया, क्या रामेश्वरी, ठीक है, तो एक ही जैसा लग रहा है, एकदम परफेक्ट नहीं मालूम है, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, तो इस चीज का ख्याल रखना है। श्यामलता, तो ये जो है इसमें जो धान का जो कलर है वो बैगनी रंग का होता है। चंद्रहासनी, कर्मा मासूरी, जलडूबी, ये सब जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाई हुई धान की किस्में हैं छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में। जबकि भारत के परिपेक्ष में इसी को देखा जाए तो रत्ना, पद्मा, जया, ठीक है, जया को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसको मिरेकल राइस के नाम से जाना जाता है। लूनाश्री, ठीक है, तो लूनाश्री जो है ये हाई साल्ट वाला फसल है, अभी बात समझ में। तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ और भारत में धान की किस्में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। बौनेपन का जीन, तो बौनेपन के जीन का नाम क्या है, डीजी वुजी वुजेन, है ना भाई, डीजी वुजेन, ये जो है नाम आपको इसका याद करना है, क्या है नाम इसका, बौनेपन का जीन डीजी वुजेन। धान में जो प्रोटीन पाया जाता है तो ओराइजिन प्रोटीन जो है धान में पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, ओराइजिन, नाम याद रखना है। धान में जो सिंगल पुष्प होते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पाइकलेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पाइकलेट कहा जाता है। और जो पुष्प क्रम होते हैं, है ना भाई, इसको पिनाकल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको पेनिकल कहा जाता है, आ रही बात समझ में, तो जो पुष्प क्रम होते हैं उसको पेनिकल कहा जाता है। धान के दाने को कैरियोपिस, धान के दाने को कैरियोपिस कहते हैं। और धान में होने वाला जो सबसे खतरनाक रोग है ये है खैरा, जो कि जिंक की कमी के कारण होता है। खैरा रोग तो गांव के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, किसकी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। प्रजाति की हम बात करें तो इसमें देखिएगा ओरिजा जिले जिले बेरिमा, ठीक है, तो ये केवल जो है अफ्रीका में पाई जाती है। और दूसरा है ओरिजा निवारा, ये जो है धान की जंगली जाति है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रजाति की जब बात होगी तो ये आपको मेमोराइज करना है। धान में पाया जाने वाला मुख्य खरपतवार जो है सावा घास है, कौन सा मुख्य खरपतवार, सावा घास है, जिसको इकाई इकाइनोक्लोवा कहा जाता है, इकाइनोक्लोवा कहा जाता है। प्रथम बौनी किस्म जो है धान की वो है TN1, तो ये तमिलनाडु वन नहीं है, ताइचुंग नेटिव वन जो है ये पहली बौनी किस्म है धान की, ठीक है। प्रथम उत्पादन, प्रथम उच्च उत्पादन करने वाली जो बौनी फसल है तो इसका नाम है IR8, जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में पाई जाती है। उच्च उत्पादन करने वाली बौनी फसल का नाम है IR8, ठीक है भाई। जगन्नाथ एवं सतारी, ये दो नाम है ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ एवं सतारी जो है ये धान की म्यूटेंट प्रजाति है, उत्परिवर्तक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। गामा किरणों की उपस्थिति में ये प्रोसेस होता है कि खुद से अपना जीन बदल लेते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले देशों में, पहला स्थान है चाइना का, दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा इंडोनेशिया का है। जबकि सर्वाधिक धान लगाने का जो क्षेत्र की उपलब्धता है, तो क्षेत्र की उपलब्धता में पहला स्थान भारत का है और दूसरा चाइना का है, दोनों में डिफरेंसेस है, ध्यान दीजिएगा।
सर्वाधिक चावल उत्पादन में पहला स्थान चाइना है, दूसरा इंडिया है, जबकि धान लगाने का क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर पहला इंडिया है, दूसरा चाइना है। मतलब इंडिया में उपलब्धता ज्यादा है जमीन की, लेकिन सभी जगह खेती नहीं होती, तो हमको अभी और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य हैं वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर बिहार है, ठीक है। जबकि चावल उत्पादन क्षेत्र की उपलब्धता, धान लगाने के क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर यूपी है उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्षेत्र कहाँ ज्यादा अवेलेबल है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, जबकि उत्पादन में तीसरा स्थान किसका है, बिहार का है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा धान का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो है पंजाब, जहां पर 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन जो है औसत रूप से होता है। अरे बात समझ में, तभी धान के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया, अगले पोर्शन में हम गेहूं और मक्का के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।